फांसी दो, बदकारियों को फांसी दो, फांसी दो, मारो, फांसी दो, हमारे बच्चे के दोषी को फांसी दो, फांसी दो। धर्मनगरी हरिद्वार में रविवार रात एक नाबालिग बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद से हरिद्वार के आम लोगों में दोषियों के खिलाफ कड़ा आक्रोश है। आप सारा देख रहे हैं, आज पूरा उत्तराखंड नहीं देख रहा, पूरा देश देख रहा है। एक बेटी, एक 11 साल की बच्ची और दो कदम की दूरी पे अपराधी बसे हुए हैं। ये प्रदेश की फैक्ट्री बन चुकी है, अपराधियों की फैक्ट्री बन चुकी है। अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता है तो पूरा उत्तराखंड आंदोलित हो जाएगा। और मैं हर माँ बाप को संदेश दे रही हूँ कि इस घटना को देखने के बाद हर माँ बाप अपने बच्चों को बचाने का काम करें। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने और दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर शहर के कई मुख्य चौराहों और सड़कों पर आज कैंडल मार्च निकाला गया। जो परसों रात की घटना एक बाकी दुखद घटना है, और मैं अनुरोध करता हूं प्रशासन अधिकारियों को, जिन हाथों से वो अपराधी आउट हुआ है उस अधिकारी को तत्काल सस्पेंड होना चाहिए। ये मैं प्रशासन और यहाँ के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ। अगर आप सस्पेंड नहीं करते तो इसका आंदोलन बहुत तेज होगा, आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा। सामाजिक संगठनों और आम लोगों द्वारा निकाले गए इस कैंडल मार्च में आक्रोशित जनसैलाब उमड़ पड़ा। कैंडल मार्च में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी वर्ग के लोग नजर आए। आक्रोशित लोगों ने सरकार से दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। कि जो रितिशा के हत्यारे हैं उनमें सिर्फ एक आदमी गिरफ्तार किया गया है, जो राजीव का भांजा था, उसके साथ जो दूसरे आदमी हैं, उन सबको, चाहे वो राजीव हो या राजीव से अलग हो, उन सभी को गिरफ्तार किया जाए और उन पर हत्या का आरोप लगाते हुए कठोर से कठोर धाराएं उसमें लगे, जिससे कि वो जीवन में कभी इस तरह के कार्य ना कर सके। कि आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में यदि आप ढूंढ के ले आते हैं और उनको अरेस्ट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो 24 घंटे से बाद का समय हमारा है। इसके साथ ही एक आरोपी के फरार हो जाने पर पुलिस की कार्यशैली पर भी लोगों ने सवाल उठाए। आक्रोशित लोगों ने मांग की कि पुलिस 24 घंटे के अंदर फरार आरोपी को गिरफ्तार करे और दोनों को फांसी की सजा दिलवाए। सड़कों पर निकले लोगों के हुजूम को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।